सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भारत और भारतीयता, वैदिक शिक्षा, वैदिक परंपरा को हमने सबसे ऊपर रखा है। अब अगली बात की ओर आगे बढ़ते हैं। आपसे आपके फ्रेंड्स पूछेंगे जब आप छुट्टियों में घर जाएंगे, आपके माता पिता भी पूछेंगे कि आपको क्या पढ़ाया, क्या आपको पढ़ना है, कैसा जीवन जीना है, जिंदगी में क्या करना है। और आचार्य कुलम में और दूसरे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, दूसरे जो शिक्षा संस्थान हैं, उनमें क्या अंतर है, तो उसको जो बच्चों को भी समझ में आ सके और बड़ों को भी समझ में आ सके, वो यहाँ थोड़ा सा दिखाया गया है। अच्छा, बच्चों में और बड़ों में क्या अंतर होता है? बच्चों के अंदर क्या ज्ञान कम है? मैं आपसे पूछता हूं, अभी है तो सही लेकिन थोड़ा अभी साइलेंट है, अभी थोड़ा और उसको बढ़ा लेंगे, ठीक है? इसका मतलब बच्चों में ज्ञान है लेकिन बड़ों में थोड़ा सा ज्यादा है। बच्चों की भी हाइट तो है लेकिन थोड़ी बड़ों की। अच्छा, और बच्चे भी काम तो करते हैं लेकिन उनका काम करने का सामर्थ्य, एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी, स्ट्रेंथ, पावर, ये थोड़ी बड़ों में आपसे। इसका मतलब जो भी बड़ों में चीजें हैं वो सब आपके अंदर भी लेकिन थोड़ी। बड़े झगड़े करते हैं तो आप में भी झगड़ा करने की ताकत है ना, लेकिन थोड़ी कम है अभी। इसको बुरी ताकत को बढ़ाना और अच्छी ताकत को। अच्छा, हमें कितने प्रकार की ताकत है बताओ? दो वाली बताओ, कौन कौन सी? एक तो एक ज्ञान की और दूसरी, दूसरा वो इधर से बोला, ज्ञान की ताकत है एक तो, दूसरा काम करने की ताकत नहीं है? तो एक तो ज्ञान की शक्ति, दूसरा कर्म करने की शक्ति, ठीक है? ये दो शक्तियां सब में ना, सबके अंदर ज्ञान की शक्ति है कि नहीं, सबके अंदर कर्म करने की शक्ति है कि नहीं, और सब में प्रेम की, प्रेम नहीं करते एक दूसरे से, मैत्री करुणा, एक दूसरे से अच्छा संबंध, एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, है ना? अच्छा, तो अब जरा इधर देखो बोर्ड के ऊपर, यहां ज्ञान और दीक्षा, वैदिक एवं आधुनिक शिक्षा दोनों का समन्वय है, ज्ञान भी है और दीक्षा भी है। एक तो होता है नॉलेज, एक क्या होता है, और दीक्षा होता है उसको जीना, उसका आचरण करना, उसका एग्जीक्यूशन। हम जो जानते हैं वैसे ही तो जीते हैं। अच्छा, आग में हाथ डालने से हाथ जलता है कि नहीं जलता? तो आप आग में हाथ डालते हो? क्यों नहीं डालते? जल जाएगा। ये कैसे पता लगा? ज्ञान से, ठीक है। अच्छा, मैं इस दीवार के उधर निकल जाऊं? क्यों नहीं निकलूंगा? क्यों? चोट लग जाएगी।
इसका मतलब मैं वहीं से निकलूंगा जहां से रास्ता हो। रास्ता कहां से होगा? जहां गेट है, दरवाजा है। ठीक है, चलो बड़े होशियार बच्चे हैं। अर्थात हम वही करते हैं जैसा हम जानते हैं, जो हम जानते हैं। मुझे पता है कि दीवार के बीच से नहीं निकला जाता, निकला कहां से जाएगा? तो जो हम जानते हैं वही हम। अच्छा, ये जो ऊपर पंखा चल रहा है ना, ठीक है ना, ये पंखे में, ये पंखा किससे चल रहा है? बिजली से, लाइट से। ठीक है, अब इस लाइट की जो तार आ रही है उसमें मैं हाथ लगाऊं? क्यों? करंट लग जाएगा। करंट लगने से क्या हो जाएगा? मर भी सकता है ना। तो हम जो जानते हैं वो जानना किसके लिए है? जानना करने के लिए। जानना किसके लिए है? तो ज्ञान है दीक्षा के लिए। ज्ञान किसके लिए होता है? जानना जीने के लिए। जानना किसके लिए? जानना जीने के लिए। ठीक है, तो ज्ञान और दीक्षा, यहां आपको ज्ञान भी दिया जाता है और उसको कैसे जीना यह भी सिखाया जाता है। ठीक है, शिक्षा व संस्कार। शिक्षा और, तो अभी की शिक्षा कैसी है? उसमें इंफॉर्मेशन तो है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। जानना तो किसके बारे में? अपने बारे में बहुत कम जानना है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आधुनिक शिक्षा में? इंफॉर्मेशन भी किसके बारे में है? बाहर के बारे में, अपने बारे में कम है। जो आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं ना बच्चे, वो भी जानते तो हैं, लेकिन उनका जो जानना है, वो जो जानना है उनका, उसमें गड़बड़ी क्या है? उसमें गड़बड़ी क्या है कि वो अपने बारे में बहुत कम जानते हैं। उनको पता है इसमें जमीन के अंदर कितना गोल्ड है, कितना आयरन है, कितना कोल है, कितना इसके अंदर बॉक्साइड है, कितना एल्युमिनियम है, कितना इसके अंदर कॉपर है, कितना इसमें सल्फर है, सब चीजों के बारे में। 20,000 प्रकार की भू संपदाएं अपने भारत में। कितनी? 20,000। अपने भारत की भूमि लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर की है। कितनी है? 20,000। और पहले जब अफगानिस्तान भी अपने में था, पाकिस्तान भी अपने में था, ये तो 1947 से एक दिन पहले अलग हुआ ना, है ना? तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेकर के वर्मा और बांग्लादेश, वो भी पहले अपने में था 67 साल 67 साल पहले। फिर उधर से ये जो अपने मित्र देश थे, ये तिब्बत से लेकर के और जो है मंगोलिया तक, फिर इधर जो है वर्मा और बांग्लादेश से लेकर के वियतनाम तक, फिर इधर श्रीलंका की तरफ दक्षिण में चले जाओ तो जावा, सुमित्रा, बाली, इंडोनेशिया, और जहां एक बहुत बड़ा मंदिर है ना 180 फीट का, कंबोडिया तक। इतना बड़ा अपना भारत था। पहले भारत था करीब 33 लाख से 3 गुना ज्यादा, कितना? 1 करोड़ पर किलोमीटर में, इतना बड़ा था अपना। अब इस देश के अंदर आज भी 20,000 प्रकार की भू समुदाय है इसमें, है ना? फिर उससे क्या करते हैं? उससे हम कोयला निकालते हैं, तो कोयले का से पावर बनाते हैं, कोयले से ट्रेन चलाते हैं, बहुत उसका इस्तेमाल करते हैं। नीचे से तेल निकालते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमें ज्ञान होता है तो उससे हम क्या करते हैं? सुविधा जुटाते हैं। सुविधाओं से क्या मिलता है? आपको पंखा चल रहा है, यहाँ ये एयर कूलिंग सिस्टम चल रहा है, तो इससे क्या क्या मिलता है? सुख मिलता है, सुविधा मिलती है, उससे सुख मिलता है, अपने पास संसाधन बढ़ते हैं। इसमें से लोहा निकाल लिया, लोहे से क्या बनाया? साइकिल बनाया, मोटरसाइकिल बनाया, गाड़ी बनाई, ये सब चीजें बनाई। ठीक है ना? तो सुविधा, संसाधन, सुख ना, ये सब चीजें। फिर हमें जानकारी हुई कि कपास बो, और कपास से क्या क्या मिलेगा? रुई, रुई से क्या बनेगा? कपड़ा भी बनेगा, और नीचे बिछाने के लिए गद्दा, और ऊपर ओढ़ने के लिए रजाई आदि भी बना सकते हो। ठीक है ना? और तकिया बना सकते हो। तो और उस कपास के अंदर से कॉटन के अलावा और क्या सीड निकलता है ना अंदर, उससे क्या निकलता है? तेल भी निकलता है ना। तो जो
आपने उसमें कपास बोया तो उससे तेल भी निकला, तो हम कितने ये सब एग्रीकल्चर के बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए कि नहीं, बोलो। खेती के बारे में ज्ञान होना चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में ज्ञान, प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज, नया नया इंफॉर्मेशन, नया नया इन्वेंशन, इससे क्या बढ़ेगा, इससे समृद्धि बढ़ेगी, इससे क्या बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, अभ्युदय, ठीक है। लेकिन क्या ये अकेली, अच्छा किसी के पास में अकेली सुविधा है, बड़ा बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, एयर कूलिंग सिस्टम है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन उन लोगों को में प्यार नहीं है, माता पिता की इज्जत नहीं होती है उस घर में, पति पत्नी दोनों झगड़ा करते हैं, बहने बहने भाई बहने आपस में बहुत झगड़ा करते हैं, सुबह से शाम तक लोग दारू पीते हैं, वहाँ शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, फिर कैंसर होके मरते हैं, आपस में गालियां देते हैं। तो खाली सुविधा हो जाए, खाली मकान हो जाए, खाली गाड़ी हो जाए, एक आदमी के पास मैंने कहा गाड़ी मकान है बहुत अच्छा, गाड़ी भी है, ठीक है ना, सुविधा है, संसाधन है, ये संसाधन है, ये सब है ना, सुविधा संसाधन मकान भूमि भवन सब कुछ है, लेकिन उनमें प्रेम नहीं है, उनमें संस्कार नहीं है, शिक्षा तो है उनको लेकिन संस्कार नहीं है, ज्ञान तो है लेकिन दीक्षा नहीं, इंफॉर्मेशन तो है लेकिन उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन क्या, देखो सारी सृष्टि अपने आप चल रही है, व्यष्टि का भी ज्ञान होना चाहिए, समष्टि का भी ज्ञान होना चाहिए ना, ये आगे अब सारी बात आपको बताते हैं। तो एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान, अपरिमित प्रेम, असीमित, अनलिमिटेड, अनंत, हमारे भीतर अनंत ज्ञान है, क्या है हमारे भीतर, हमारे भीतर असीम प्रेम है, क्या है, असीम, अपरिमित सामर्थ्य, अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लव एंड अनलिमिटेड क्रिएशन स्ट्रेंथ पावर, हमारे पास में अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, इतना ज्यादा हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, पावर है, स्ट्रेंथ है, विजडम है ना, बोलो। जितने भी जितने बड़े लोग हैं उनके पास में क्या है, तो आपके पास नहीं है क्या, सबके पास में अनलिमिटेड नॉलेज, फिर आपको सारी जानकारियां क्यों नहीं, आप मोबाइल बना सकते हो, आप हवाई जहाज बना सकते हो, अभी तो नहीं बना सकते लेकिन चाहो तो बना, जहाज किसने बनाया, अरे वो तो अभी बाद में बताएंगे, राइट ब्रदर से पहले तो बापू तलपड़ी जी ने बना दिया था लेकिन वो आपको बाद में बताएंगे, आदमी ने बनाया कि गधे ने, अच्छा ये जो पानी का जहाज है ये आदमी बनाया हाथी ने, सारा ज्ञान किसको है, सबसे ज्यादा ज्ञान किसको है, उनको ज्ञान तो है दूसरे जीवों को लेकिन थोड़ा सा ज्ञान है, उनको सुख भी मिलता है, थोड़ा मिलता है, इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है इस दुनिया में, आदमी, आदमी में सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन एक चीज गड़बड़ है, अच्छा बताओ बंदर किसी को पत्थर मारता है, बंदर पत्थर मारता है, और पत्थर मारने लग जाए तो, पत्थर मारने लग जाए तो सबके सिर फोड़ देगा फिर FIR कराते, फिर वो कोई का उसको फर्क ही नहीं पड़ता, आप उसको जंगल में रखो जेल में रखो, उसको तो अपने खाड़ा और मस्त रह दो। अब बताओ ये भैंसा हाथी सांड कितने ताकतवर होते हैं ना, है ना, लेकिन ये कभी लक्कड़ लेकर मारते हैं आदमी को, इसका मतलब सारी सृष्टि अच्छे से चल रही है, ये जो है गाय भैंस किसी को नुकसान, ये सूरज चांद किसी को नुकसान, ये धरती किसी को नुकसान, ये हवा भी किसी को नुकसान, आदमी का दिमाग खराब हो जाए तो बोलो, इसका मतलब क्या हुआ, सृष्टि सारी बहुत ठीक चल रही है, इसमें गड़बड़ी कौन करता है, और आदमी ठीक हो जाए तो, और आदमी किससे ठीक होगा,
बोलो आदमी किसे ठीक होगा? ज्ञान और दीक्षा से, शिक्षा और इंफॉर्मेशन और इससे ठीक होगा। ज्ञान तो होना चाहिए सारे चीजों के बारे में, बोल रहा था ना, इसमें सब चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कंप्यूटर कैसे बनता है, मोबाइल कैसे बनता है, हवाई जहाज कैसे बनता है, गाड़ी कैसे बनती है। उसको ज्ञान किस किस चीज का होना चाहिए? खेती का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, डिफरेंट प्रकार की सर्विसेज का, उसको हेल्थ के सेक्टर में, स्पेस के बारे में, सारी सृष्टि के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और ज्ञान के साथ साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसका कर्तव्य क्या है, है ना, वो आगे अभी बताएंगे आप लोगों को। तो और ज्ञान उसके भीतर कितना है ज्ञान, अभी क्या मैंने बोला, अपरिमित ज्ञान है आदमी के भीतर, कितना है अपरिमित, माने अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड ज्ञान, माने अनलिमिटेड नॉलेज हमारे भीतर। क्योंकि जितना भी, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जिनको नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन, वो सब कौन है, आदमी है या जानवर, जिनके पास खूब धन संपत्ति है, वो भी सब क्या है, सबसे सब आदमी तो है, तो वही हम है। तो हमको ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो आचार्य कुलम का लक्ष्य है कि हमको अपने बारे में भी, व्यष्टि माने आदमी के बारे में, व्यष्टि व्यक्ति को कहते हैं, व्यष्टि किसको बोलते हैं, व्यक्ति को, और समष्टि बोलते हैं इस पूरी सृष्टि को, समष्टि बोलते हैं इस पूरी यूनिवर्स को, सब चीजों के बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए, जल जंगल जमीन भू संपदा पूरा हर सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस हर चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जितना हमारा ज्ञान ज्यादा होगा उतने हम ज्यादा सुखी होंगे। लेकिन ये दोनों चीजें होनी चाहिए, अपने बारे में भी ज्ञान होना चाहिए और सृष्टि के बारे में, समष्टि के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। और ऐसा करके हम क्या करना चाहते हैं, आप आचार्य कुल में आप बच्चों को पढ़ाएंगे ना, भी कई सालों तक पढ़ाएंगे, तो आप सभी क्षेत्रों में एक सात्विक नेतृत्व, लीडरशिप अच्छे लोगों की होनी चाहिए हर क्षेत्र में। किस किस क्षेत्र में? सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व अच्छे लोगों का होना चाहिए। लीडरशिप अच्छे लोगों की होनी चाहिए कि बुरे लोगों की? हम पर चोर लोगों का, बेईमान लोगों का, लुटेरे लोगों का राज होना चाहिए या अच्छे लोगों का? समाज में अच्छे लोगों की इज्जत होनी चाहिए कि बुरे लोगों की? आत्मा, व्यक्ति का मन, उसकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए या अपवित्र होनी चाहिए? अच्छे लोगों के पास में धन होना चाहिए कि बुरे लोगों के? या किसने बताया आपको अच्छे लोगों के पास होना चाहिए धन? ये सब आपको अंदर से हो रहा है ना, किसी ने सिखाया थोड़ी आपको, ये अंदर से हो रहा है ना, ठीक है ना। ये आपको कहां से आई बात कि हम अच्छे लोगों का राज होना चाहिए कि बुरे लोगों का? तो आपने क्या बोला, ठीक है, अच्छे लोगों के पास धन होना चाहिए कि बुरे लोगों के पास? बुरे लोगों के पास पैसा होगा, चोरों के पास, लुटेरों के पास, नक्सलवादी आतंकवादियों के पास, बुरे लोगों के पास पैसा होगा तो क्या करेंगे, और बुराई करेंगे, है ना, दूसरों को दुख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैंने बहुत बड़ी बात कही है, आपको हम क्या बनाना चाहते हैं, इसका हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? ऐसे भाई बहन तैयार करना जो हर फील्ड में क्या करें, लीडरशिप नेतृत्व करें, है ना, ऐसे भाई बनाना चाहते हैं। अच्छा इंसान बने और अच्छी दुनिया बने, आदर्श इंसान आदर्श जहान। अच्छा इंसान बनेगा, एक आदर्श इंसान बनेगा, अच्छा व्यक्ति बनेगा तो ही अच्छी दुनिया बनेगी। अच्छा इंसान नहीं होगा तो अच्छी दुनिया नहीं बनेगी, तो ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि सारी सृष्टि तो मर्यादा में चल रही है। कोई भी, अब बताओ, हाथी है भूखा, उसको बहुत तेज लगाए तो गाय भैंस को खाता है कभी? बहुत जंगल में जीव रहते हैं, हाथी कभी भी मांसाहार, वो मर्यादा में है अपनी में, जो चीज को जो करना है वो करता है। लेकिन आदमी
आदमी को मर्यादा में रखने की जरूरत है। तो ये ऐसी एजुकेशन यहां देने का सिस्टम रखा है कि आदमी अच्छा बनाया जाए, है ना। तो उसके भीतर जो दोनों तरह की चीजों को जगाया जाए उसके, अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। इसको हमने आचार्य कोलम के, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपको, ठीक है ना। अब आचार्य कोलम में रहने वाले जो बच्चे हैं, और मैं तो आचार्य कोलम तो हमने कहा ना ये तो हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है, जो भी देश के बच्चे हैं वो उनको जीवन में किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए जिससे कि वो महान बने। सब महान बनना चाहते हैं? सब जिंदगी में सुखी होना चाहते हैं? सब बलवान बनना चाहते हैं? सब चरित्रवान बनना चाहते हैं? अच्छा, कोई कमजोर बनना चाहता है? नहीं। कोई दुखी होना चाहता है? नहीं। कोई अनपढ़ रहना चाहता है? नहीं। अच्छा, कोई ऐसा चाहता है कि उससे कोई घृणा करे? नहीं। उसके ऊपर उसको कोई मारे? नहीं। सब क्या चाहते हैं? उनसे प्रेम करे? आप क्या चाहते हैं, मैं आपसे प्रेम करूं या आपको गुस्सा करूं? इतनी जोर से बोल रहे, सब प्रेम चाहते हैं, ठीक बात है ना। अच्छा, तो आप जो मुझसे चाहते हैं तो मैं भी क्या चाहता हूं? अच्छा, तो मैं, आप मुझसे प्रेम चाहते हो, ठीक है ना, और मैं भी आपसे क्या चाहता हूं? आप चाहते हो कि मैं आपको ज्ञान दूं कि मैं उल्टी बात बताऊं? तो फिर मैं भी चाहता हूं, तो आपके भीतर भी क्या होना चाहिए? ठीक है। अच्छा, अब ये बात तो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बताई, अब इस बात को थोड़ा विस्तार देते हैं कि आचार्य कोलम के विद्यार्थियों को कैसे जीना है, उनके जीवन की मर्यादाएं क्या होनी चाहिए, उनके जीवन का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, ठीक है। आचार्य कोलम के विद्यार्थियों की 5 मर्यादाएं, मैं तो कहता हूं देश के जितने भी बच्चे हैं चाहे वो किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो यदि इन 5 मर्यादाओं का पालन करना शुरू कर देंगे तो उनका जीवन भी बहुत अच्छा होगा, भारत भी बहुत अच्छा बनेगा और पूरी दुनिया में छा जाएंगे हम। ये इतने बड़ी चीजें हैं। तो ये क्या है, 5 मर्यादाएं हमारे जीवन की। सब पहले मेरे साथ बोलेंगे, प्रतिदिन 1 घंटा योगाभ्यास। क्या बोला? प्रतिदिन 1 घंटा योगाभ्यास, जिससे हम स्वस्थ, जिससे हम और उच्च चेतना युक्त, स्वस्थ और प्रतिक्रिया शून्य जीवन जी सके। कैसा जीवन? अच्छा, ये कितनी बड़ी बात हो गई, है ना। अब इसको मैं समझाता हूं, 5 नियम है ना जीवन के। 1 घंटा योगाभ्यास, कितनी देर कम से कम? जो 1 घंटा योगाभ्यास कर लेंगे उनको कोई बीमारी, गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, यदि बीमार होते हैं तो सुखी होते हैं कि दुखी? दुखी होते हैं। बीमार होने पर पढ़ाई कर पाते हैं? आपको उल्टी लग जाए, दस्त लग जाए तो पढ़ाई हो पाती है? यदि उल्टी दस्त लगेगी तो क्लासरूम में रहेंगे या बाथरूम में? तो क्या हुआ, सबको क्या रहना है चाहिए, 1 घंटा योगाभ्यास करके क्या रहना है? स्वस्थ रहना है। तो जो स्वस्थ रहेगा वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। कोई खेती में काम करता है तो खेती में जो काम करता है किसान, वो यदि बीमार हो जाएगा तो खेत में काम कर पाएगा? इंडस्ट्री में जो मजदूर है या जो उसको चलाने वाला अधिकारी है, इंजीनियर है, कोई भी है, तो कहीं पर भी हम दुनिया में हैं, यदि हम बीमार हैं तो कोई काम और सुखी? तो सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। सब बीमार होना चाहते हैं कि स्वस्थ? स्वस्थ रहना चाहते हैं। अच्छा, फिर हम कभी कभी तो बहुत खुश रहते हैं और कभी कभी ऐसे डाल, है ना। तो आप खुश रहना चाहते हैं कि नाराज? आप उत्साह में रहना चाहते हैं कि निराशा में? उत्साह में रहना चाहते हैं। आप पवित्रता में रहना चाहते हैं कि अपवित्रता में? पवित्रता में रहना चाहते हैं। आप प्रेम में जीना चाहते हैं कि घृणा में? आप सच बोलना चाहते हैं कि झूठ?
सब सब एक ही बात, सब सच्ची बात कह रहे हो ना? ठीक है, तो ये है उच्च चेतना। ये जो अच्छी अच्छी अच्छे अच्छे भाव हैं, ये कैसे हैं? उच्च चेतना के भाव हैं। जितने भी अच्छे भाव हैं, ये क्या हैं? उच्च चेतना युक्त भाव हैं। ये धरिए, उच्च चेतना के 20 भाव होते हैं। कितने भाव होते हैं? 20 भाव। अहिंसा बोलो, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, फिर पांच दूसरे, ये क्या है? यम। ये क्या है? पांच नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर आपने 20 बातें सुनी है, मैं उनको बता रहा हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शून्य जीवन। फिर उसमें एक बड़ी बात बता दी, ये सब क्रियाएं हैं, उल्टी क्रियाएं हैं ये सब, है ना? फिर कैसा जीवन जीना? ऐसा जीवन जिसमें प्रतिक्रिया ना हो। अब इसको थोड़ा और विस्तार से देखो। ऐसा जीवन जिसमें आपको जरा सा भी प्रतिकूलता होती है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या करते हैं? तुरंत रिएक्शन। क्या करते हैं? रिएक्शन। अच्छा लगता? रिएक्शन करके आपको अच्छा लगता? नहीं। आपके टीचर्स को अच्छा लगता? नहीं। आपके माँ बाप के सामने आप रिएक्ट करें तो अच्छा लगता? नहीं। तो कैसा जीवन होना चाहिए? अच्छा, अच्छा जीवन। अच्छा जीवन कैसा होता है? प्रतिक्रिया शून्य। कैसा जीवन होता है वो? ये प्रतिक्रियाएं बड़ी जबरदस्त होती हैं। प्रतिक्रियाओं में एक तो निराशा आती है। प्रतिक्रिया करके क्या आती है? निराशा आती है। और प्रतिक्रिया में ही हम गुस्सा करते हैं, गलत गलत काम कर देते हैं, है ना? हाथ भी उठा लेते हैं, किसी को मार भी देते हैं, है ना? और एक बार जिसका हट कर लिया, आदत पड़ जाती है, और फिर हट करते हैं तो बहुत दुख होता है ना? बोलो, हट करते हैं मैं नहीं जाऊंगी क्लास में, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, अब मैं तो ऐसा करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये क्या है? हट है। ये क्या है? ऐसा हट बोलो नहीं करना। प्रतिक्रिया शून्य जीवन जीना है। कैसा जीवन जीना है? अच्छा, और आपको प्रतिकूल वातावरण मिले उसमें खुश रहते हैं कि दुखी हो जाते हैं? प्रतिकूल में, प्रतिकूल जो अच्छा ना लगे, जैसे आपकी आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके क्लास में रहने वाले जो दूसरे बच्चे हैं, वो आपको परेशान करें तो अच्छा लगता है कि बुरा? बुरा लगता है। तो ऐसे ये आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, ये मैंने संक्षेप में कहा अभी। तो ये पहला नियम है सबको। तो बोलो, 1 घंटे का योग करना चाहिए कि नहीं? तो ये सब बच्चों को करना चाहिए कि खाली आचार्य कुलम वालों को ही? और सब बच्चों को या सब लोगों को? सब लोगों को करना चाहिए। तो इस बात को सब मानेंगे ना? और यहां से घर जाने के बाद करोगे कि नहीं? और अपने माता पिता को भी कराओगे ना? और अपने पड़ोसियों को भी, दूसरे बच्चों को भी सिखाना। आपने आसन सीखा है ना? यहाँ प्राणायाम सीखा है ना? ये सब 1 घंटे का योगाभ्यास। कितना करना है सबको? और 1 घंटे का योगाभ्यास करने से कैसे रहेंगे? और रिएक्शंस नहीं होंगे। फिर रिएक्शंस में बहुत दुख होता है ना? हम रिएक्ट करते रहते हैं ना? बोलो, थोड़ा थोड़ा तो होता है ना? ऐसा नहीं होगा फिर। छुट्टियां भी मत। दूसरा, जीवन में 3 बातों को सर्वोच्च प्राथमिकता, टॉप प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए? ये बहुत बड़ी बातें हैं, आपको पूरा समझाएंगे बाद में। बहुत बड़ी बातें हैं। जैसा जानते हैं वैसा ही जीना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं अब, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इसमें सब कुछ आ जाएगा। आपके भीतर
अपरिमित ज्ञान है ना, तो उसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं? ज्ञान किससे बढ़ेगा? पढ़ने से। ठीक है, ज्ञान के पांच स्रोत हैं। ज्ञान के कितने स्रोत हैं? पांच। एक तो गुरु से ज्ञान होता है, ठीक है ना, किसे ज्ञान होता है? दूसरा गुरु, जो भी सिखाए वो गुरु होता है, माता पिता भी गुरु होते हैं, टीचर भी गुरु होते हैं। तो एक तो आचार्य से, गुरु से ज्ञान होता है, दूसरा किसे ज्ञान होता है? योग वाला सबसे लास्ट में लेंगे। दूसरा पुस्तक पढ़ते हैं उसे ज्ञान होता है कि नहीं? तो दूसरा ज्ञान किससे हुआ? तीसरा ज्ञान योग से भी होगा, वो बाद में बताएंगे। अभ्यास से तो पहले पढ़ा वो याद रहेगा। तो पुस्तक में आ गया ना। अच्छा, आपको एक्सपीरियंस से नॉलेज होता है? एक्सपीरियंस से ज्ञान नहीं होता क्या? तो फिर वो ज्ञान, ज्ञान का सोर्स नहीं हुआ? हुआ। तो एक ज्ञान हुआ किससे? गुरु से। दूसरा ज्ञान किससे हुआ? पुस्तक से। तीसरा ज्ञान किससे हुआ? एक्सपीरियंस, अनुभव से। और ये सृष्टि हमें कुछ ज्ञान नहीं देती? पेड़ पौधे, सारी धरती, ये सारा ब्रह्मांड, ये सूरज चांद, ये सारी सृष्टि को देखते हैं तो ज्ञान नहीं होता? होता है ना। आपने पुस्तक में क्या पढ़ा? पुस्तक में पढ़ा आपने ए एप्पल, ए अनार, कुछ भी पढ़ा, क्या कबूतर देख, अब उसको देखा ही नहीं तो ज्ञान होगा क्या? पहले तो चित्र देखा, बाद में पंछी को उड़ते हुए देखा, तो उससे कितने प्रकार का ज्ञान होता है? पत्ते को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा, उससे भी ज्ञान होता है। सारी सृष्टि से बहुत ज्ञान होता है, तो नेचर से ज्ञान होता है। चौथा ज्ञान किससे होता है? और अंतिम ज्ञान किससे होता है? योग से, अध्यात्म से, ध्यान से, भजन से, प्रार्थना से। जब हम पूर्ण शांत हो जाते हैं ना, तो दिमाग एकदम काम करने लग जाता है। अब पढ़ाई भी कब होती है, अच्छी पढ़ाई कब होती है? जब आप पूर्ण शांत होते हैं, जब आप अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं ना, तब आपको जल्दी होगा याद। तो जब आप पूर्ण शांत होते हैं ना, जब पूर्ण शांत होंगे तब आपका आई के लेवल, आपका कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा, उस समय आप ज्यादा से याद कर पाएंगे। तो पूर्ण शांत अवस्था में ज्ञान होता है, इसको ये ज्ञान का अंतिम स्रोत है। तो अभी इधर क्या बताया? पहले तो चीजों को जानना, पहले तो क्या करना? जानना। और फिर वैसे जीना। और जानने में हमें अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? आपके भीतर ज्ञान कितना है? प्रेम भी और काम करने की शक्ति भी अनलिमिटेड है, सब कुछ अपरिमित, असीम, अनंत। चार शब्द बोलेंगे, अपरिमित बोलो, असीम, अनंत, अनलिमिटेड। तो आपके आपने जान लिया ना, ये जान लिया ना कि जो ज्ञान है वो सब हमारे दिमाग में है, हमारे भीतर है, बस वो अंदर का ज्ञान प्रकट करने के लिए ये पांच साधन बताए। कितने बताए? ठीक है, तो उस जान को, ज्ञान को खाली जानना ही है या उसको जीना भी है? ज्ञान आचरण के लिए होता है। ज्ञान किसके लिए होता है बोलो? ज्ञान किसके लिए है? नॉलेज एग्जीक्यूशन के लिए है। आचरण माने उसका व्यवहार में लाना। ज्ञान किसके लिए है बोलो? आचरण के लिए। ज्ञान किसके लिए है? तो अब मैं आपसे पूछता हूं, अपने भीतर के ज्ञान को बढ़ाना चाहिए कि नहीं? सबसे प्रेम करना चाहिए कि नहीं? झगड़ा करना चाहिए कि नहीं? आपके भीतर प्रेम है तो फिर झगड़ा नहीं करना चाहिए ना। तो आज के बाद कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, इसको बोलना ही नहीं चाहिए किसी को। आपको ये सिखाने की जरूरत है कि झगड़ा मत करो? बोलो बोलो बच्चों,
तो आपको अध्यापक सिखाते हैं ना रोज, बेटा झगड़ा नहीं करते, बोलते हैं ना। तो आज के बाद सभी आचार्य कुलम के बच्चे ऐसे हो जाएंगे कि आज के बाद कोई झगड़ा नहीं। सच्ची बात है ना, जो जान लिया फिर वैसे ही जीना है। और यही बात अपने माँ बाप को भी जाके बोलना, आपके माता पिता आपस में झगड़ा करते हो तो हम उनसे पूछना किसी किसी के करते हैं ना, कभी आप घर में आपस में भी झगड़ा हो जाता है ना, भाई भाइयों में झगड़ा होता है कि नहीं, कभी 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 आपके माता पिता आपस में एक दूसरे को ऊंचा आवाज में बोलते हैं कि नहीं? अरे कभी कभी तो बोलते हैं ना, इतना पक्ष ले रहे हो। माता पिता भी कभी कभी झगड़ा करते हैं, बच्चे भी करते हैं कभी कभी, बोलो आपस में कभी कभी झगड़ा कर लेते हो ना, कर, ये सच्ची बात है। लेकिन अब हमने जान लिया कि झगड़ा नहीं, क्या करना चाहिए, प्रेम, हमारे भीतर प्रेम है तो प्रेम को बढ़ा। अच्छा दो बातें हमारे, उल्टा भी है और सीधा भी है, तो अपने को गलत चीजों को, अपने भीतर गलत चीजें भी हैं और अच्छी चीजें भी, तो अच्छी बातों को बढ़ाना है और खराब बातों को खत्म करना है। अच्छा जिसको करेंगे वो बढ़ जाएगी, पढ़ेंगे तो ज्ञान बढ़ जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो, प्रेम करेंगे तो प्रेम बढ़ जाएगा और प्रेम नहीं करेंगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा, प्रेम नहीं करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा। तो जैसा जानते हैं वैसे ही क्या करना है, जीना है। जानने और जीने में अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा जानते हैं वैसा ही जीना है। अपने भीतर काम करने की शक्ति है या नहीं है। तो कर्म करना है या आलसी रहना है, कर्म करना है, मेहनत करना है, आलसी नहीं, पढ़ाई में भी आलसी नहीं, काम में भी आलसी नहीं, खेल में भी आलसी नहीं, और झगड़ा में झगड़ा तो करना ही नहीं है, है ना, वो अच्छी बात नहीं है। तो जानने और जीने में अंतर खत्म। जान, जानना किसके बारे में बताया, अपने बारे में, जानना किसके बारे में, जानना ही सृष्टि के बारे में। सृष्टि में भी ऊपर बताया था ना, बहुत अभी पहले बताया था ना, बहुत ज्ञान है, व्यष्टि और समष्टि का ज्ञान है ना, और उसके बीच में कैसे जीना है, प्रेम से, सबके बीच में कैसे जीना है। फिर एक देखो, एक कुछ दिखने वाली चीजें हैं, दिखने वाली चीजों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, दिखने वाली चीज। दो तरह की चीजें हैं दुनिया में, एक दिखने वाली चीजें, दिखने वाली चीजें, ठीक है ना, और एक न दिखने वाली चीजें। दिखने वाली चीज कौन सी है, शरीर दिखता है कि नहीं, ये धरती दिखती है कि नहीं, पानी दिखता है कि नहीं, हवा दिखती है, तो कुछ दिखने वाली चीजें हैं, कुछ है? आत्मा दिखता है, परमात्मा दिखता है। तो दो चीजों के बारे में जानना, दिखने वाली चीजों के बारे में भी और न दिखने वाली चीजों के बारे में। तो खैर ये बड़ा बहुत बड़ी बात है, आगे बताएंगे। दूसरी बात, तीन बातों को हमने क्या बताया, जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देना, सर्वोच्च प्राथमिकता, टॉप प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्राथमिकता, सबसे ज्यादा महत्व देना, उनके बारे में बार बार सोचना, तीन चीजों के बारे में बार बार सोचना है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये पूरी जिंदगी भर काम आएंगी। कब तक काम आएंगी, पूरी जिंदगी भर काम आएंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये अपने बुक में नोट करके ले जाओगे ना, ठीक है, बुक में नोट करके ले जाना और अपने माँ बाप को भी बताना हमको क्या पढ़ाया है, बताओगे ना। अरे ये ज्ञान आपके लिए है या सबके लिए है, तो सबके लिए कब होगा, जब आपको पता होगा तभी तो होगा ना, तो अपनी नोटबुक में नोट करके ले जाना। अगली बात, अच्छा हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए कि बुरी, अच्छी। तो अपनी जो दोषपूर्ण गलत आदतें जिससे कि अपने को और दूसरों को सुख मिलता है वो अच्छी आदत, और जिससे अपने को और दूसरों को दुख मिलता है वो बुरी आदत। तो बुरी आदतों को, दोषपूर्ण स्वभाव, दोषपूर्ण स्वभाव माने बुरी आदत, दोषपूर्ण स्वभाव माने बुरी आदत, बुरी आदत, हाँ? खराब आदत,
अपने खराब आदतों को बदलना चाहिए कि नहीं? तो क्या लिखा हमने जीवन में? एक तो पहली बात, दूसरी बहुत बड़ी बात क्या है? अपनी बुरी आदतों को, अपने दोषपूर्ण स्वभाव को, अपनी खराब आदतों को बदलना, और अपने मूल स्वभाव, दोषपूर्ण स्वभाव एक मूल स्वभाव, अपनी मूल आदत है ना। ये देखो, एक तो आपके अंदर से बात आती है ना, और एक आप इधर उधर से सीख लेते हो है? तो अब आपसे मैं पूछता हूं, सुबह जल्दी उठना चाहिए कि देर से? अब चल रहे हैं, चलते चलते दीवारों को गंदा करना चाहिए या साफ रखना चाहिए? कपड़े गंदे रखने चाहिए कि साफ रखना चाहिए? अच्छा, एक दूसरे को गाली देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? झगड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो आदत कैसे बनती है, जो बार बार करते हैं वो क्या बन जाती है? आदत। जो बार बार सोचते हैं, जो बार बार करते हैं वो क्या बन जाती है? तो अपनी कोई बुरी आदत नहीं डालना। सुनो, कुछ बच्चे ये बुरी आदत कहां से ले आते हैं? दूसरों से सुन सुन बुरे शब्द भी तो बोल देते हैं ना। हाँ, एक बार भी नहीं बोलना है ना, अब आगे बताएंगे। तो अपनी बुरी आदतों को क्या करना है बोलो? बुरी आदतों को सुधारना है, उनको ठीक करना है, बदलना है। आदत कैसे बनती है, क्या बोला मैंने अभी? अच्छा, बुरी आदत तो एक बार में पड़ जाती है। एक खास बात, बुरी आदत एक बार में, कोई भी काम एक बार बुरा कर लो, बुरी आदत कितने बार में? बुरी आदत एक ही बार में पड़ जाती है। और अच्छी आदत के लिए, अच्छी आदत के लिए, ओहो हो, अच्छी आदत के लिए बहुत समय लगता है। एक बार मुंह से गाली देने लग गए ना, तो फिर वो क्या बन जाए? वो तो एक बार भी गाली नहीं। अच्छा, आपने आज तक, आप 20 साल से तो मुझे टीवी पर भी सुनते हैं पूरी दुनिया, आप तो अभी तब पैदा भी नहीं हुए थे जब मैंने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि आप छोटे हैं ना मेरे से। तो मैंने कभी गाली दी? नहीं। बोलो, तो गाली देना चाहिए? मैंने कभी खराब शब्द का इस्तेमाल किया? मैंने कभी झूठ बोला? नहीं। तो झूठ बोलने से क्या पड़ जाएगी? झूठ बोलने की आदत। आपने किसी को देखा, मैंने किसी को ऐसे मारा? नहीं। तो मारना चाहिए? नहीं। अब बोला, बुरी आदत एक बार में ही पड़ जाती है। एक बार गुटखा खाओ, गुटखा खाने की? एक बार दारू पियो, दारू पीने की क्या पड़ जाती है? और एक बार, सुनो जो है, एक बार कोई भी गलत काम कर लो ना, तो क्या पड़ जाती है उसकी? तो एक बार भी देर से नहीं उठना। अब यहां जाने के बाद आपको घर में कौन उठाएगा? बोलो। अच्छा, अभी आपको कितने दिन हो गया हवन करते करते? एक महीने से ज्यादा हो गया ना करीब, ठीक है। अच्छा, अब ये घर जाके हवन कौन कराएगा? खुद करोगे? माता पिता को भी सिखाओगे? अच्छा, तो हवन करना अच्छी आदत है कि बुरी? योग करना अच्छी आदत है कि बुरी? पढ़ाई करना अच्छी आदत है कि बुरी? कार्टून देखना? तो ये घर, अभी यहां तो टीवी नहीं है ना, तो यहां तो कार्टून नहीं देखते, तो फिर घर जाके करना है काम? अच्छा काम हमेशा करता है, और बुरा काम कभी भी कहीं पर भी, चाहे आचार्य कुलम में हो या अपने घर के कुलम में हो, चाहे, हाँ, इस बात का ध्यान रखना है। चलो अगली बात, अब अगली बात बता रही है, बहुत बड़ी बात है,
कर्म फल व्यवस्था में पूर्ण आस्था रखना। क्या है बोलो? कर्म फल व्यवस्था में जैसा करोगे वैसा। अब पांच सात बातें बता रहा हूं। जो कर्म करता है उसका फल अवश्य और कई गुणा होके मिलता है। कितना गुणा होके? अब पांच बातें बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना। पांच बातें, इसको मैं फिर पूछूंगा आपसे। अब पांच बात पहले बता रहा हूं। जो हम कर्म करते हैं उसका उतना ही मिलता है या कई गुणा होके? इसका एग्जाम्पल क्या है? एक किलो सरसों बो खेत में, कितना? तो कितनी मिलेगी वापस बोलो? एक किलो सरसों बोते हैं तो आप में से किसान के घर में कितने बच्चे पैदा हुए हैं? अच्छा, अच्छी बात है, नीचे हाथ कर लो। किसानों के भी बच्चे हैं और बाकी शहर वाले हैं। तो हमारे गांव में किसी ने अपने खेत, जिसके खेत में सरसों होती है, वो बच्चे खड़ा हो जाओ। खेत में सरसों देखी है ना? अरे ये तो काफी बच्चों ने देखा है। अच्छा, पीले पीले फूल होते हैं। और एक किलो सरसों एक एकड़ जमीन में बोते हैं, कितने में? एक एकड़ में, है ना? अच्छा, इन बच्चों के लिए एक बार तालियां बजा दो। इन बच्चों ने जमीन देखी है, इन बच्चों ने सरसों फसल देखी है, ठीक है? अब ये नई फसल तैयार हो रही है, आप भी देश की फसल हो, बैठ जाओ। अब एक किलो सरसों डालते हैं तो 1000 किलो पैदा होती है, कितना? 1000 किलो पैदा होती है। तो हम खेत में सरसों डाला, कितना? और कितना दिन लगा फल? कितने दिन में मिला? 4 महीने में। कितने दिन में? 4 महीने। और कितना होगी 1 किलो सरसों की? 1000 किलो। अच्छा, उस खेत में सरसों डाली तो वो सरसों का क्या बन गया? पौधा। और फिर उसमें क्या आए? सरसों बीज। एक बीज से कितने बीज बन गए? 1000। और उसमें से क्या निकला? सरसों को कोलू में पेलो तो क्या निकलता है? ये तेल कहां से आया? सरसों से कहां से आया? पौधे से। पौधे में कहां से आया? सारा तेल कहां से आता है? जमीन से। सारा तेल कहां से आता है? कर्म फल व्यवस्था में विश्वास करने वाली बात बताऊं? कर्म की पांच बातें बता रहा हूं, ये नोट कर लेना, सब अपने मां बाप को बताना। जो करते हैं उसका अनंत गुना मिलता है, तो पढ़ाई करोगे इसका भी अनंत। अरे वो तो 4 महीने में मिल गया था, पढ़ाई करते करते तो आप 25 साल के हो जाओगे। फिर वो पढ़ाई करोगे तो आपको अनंत गुना सुख मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, संसाधन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। अरे जो करोगे उसका कितना गुना मिलेगा? अब मैं आपको कर्म फल सिद्धांत की जो है पांच बात बता रहा हूं, सब नोट कर लो। जो करोगे उसका अनंत गुना मिलेगा, कई गुना मिलेगा। जो करेंगे उसका कई गुना मिलेगा, ठीक है? एक बात। दूसरी बात, जो करेगा उसको ही फल मिलेगा। अब पढ़ाई आप करो और आपके भाई को नंबर मिल जाएंगे क्या? नहीं। बोलो। आप आम खाओ, मेरा मुंह मीठा हो जाएगा क्या? नहीं। मेरे शरीर में कांटा चुभा तो मुझे दर्द होगा या आपको? मुझे ही होगा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और कितना गुना मिलता है? इसलिए किसी को कष्ट दोगे तो कितना गुना कष्ट मिलेगा? किसी का अपमान करोगे तो कई गुना, और किसी का सम्मान करोगे तो वो भी अनंत गुना होकर मिलेगा। इसलिए बुरा कर्म बुरे काम का बुरा फल, अच्छे काम का अच्छा। अब दूसरी बात कर्म फल के बारे में, दूसरी बात क्या बताई? एक तो जो करेंगे उसका अनंत गुना फल, दूसरा वो फल अपने को ही, उसका लाभ दूसरों को भी मिलेगा, लाभ प्रभाव परिणाम। दूसरी क्या बात बोली? लाभ परिणाम प्रभाव, लाभ या हानि, है ना? अच्छा या बुरा करोगे तो। अब जैसे आपने मधुमक्खियों को छत्ते में पत्थर मार दिया तो मधुमक्खी आपको भी काटेगी और
जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो देश को लूटते हैं, तो उनके भी उनको तो कई जन्म नरक भोगना पड़ेगा और दूसरों को भी भोगना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, कई बार हमको तुरंत फल नहीं मिलता तो उसका बाद में मिलता है, जिसका जिस कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता उसका, और कोई दूसरा हमारा नुकसान करते तो उसकी नुकसान की पूर्ति कौन करेगा, उसको हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति। क्या बोलते हैं? ये आपके अध्यापक आपको पांचों बातें लिखवाएंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं क्षतिपूर्ति को? कंपनसेशन। क्या बोलते हैं? तो आपको किसी ने मार दिया, आप ऐसे ही खड़े हुए थे, किसी ने पत्थर मार दिया, आपका सिर फूट गया, आपकी एक आंख ही पूरी फूट गई, ऐसा भी तो हो जाता है ना कभी कभी, तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? परमात्मा। जो कोई हमारा दूसरा हमारा बुरा कर देता है तो कौन करता है उसकी क्षतिपूर्ति? लेकिन कभी भी बुरा काम नहीं करना, क्योंकि हम बुरा करेंगे तो हमारा कई गुना बुरा होगा, इस बात को याद रख लेना। हम किसी की चोरी करेंगे तो हमारा चोरी का धन मोरी में, हमारा भी कई गुना जाने वाला है। हम किसी का नुकसान करेंगे तो कई गुना हमारा भी नुकसान होने वाला, ये याद रख लो। तो फिर जिंदगी में कभी किसी का नुकसान, जिंदगी में कभी किसी की चोरी, जिंदगी में कभी किसी को गाली, गाली देंगे तो अपने को भी कई गुना गाली मिलने वाली। हाँ, किसी को हम मारेंगे तो कई गुना मार पड़ने वाली पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी तो बाद में भगवान उसका फल देंगे। तो एक बात तो ये बताई, पहली बात क्या बताई, अभी बताओ, जो कर्म करेंगे उसका कई गुना फल, और जो हम कर्म करेंगे तो फल भी, हम पढ़ाई करेंगे तो फल हमें, और उससे परिवार को उसका लाभ मिलेगा, उनकी इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनको खुशियां मिलेंगी, उनको भी अच्छा काम का अच्छा, बुरे काम को बुरा परिणाम। तो कर्म का फल अपने को मिलता है और उसका प्रभाव उसका लाभ दूसरों को भी, ये दूसरी बात। और यदि हमारा किसी ने नुकसान कर दिया तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करते हैं? कंपनसेशन कौन देते हैं? भगवान। अच्छा, एक बात और बहुत बड़ी बात है, तीन तरह के कर्म होते हैं, कितने तरह के? एक पाप कर्म, दूसरा एक अच्छा कर्म, दूसरा बुरा कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, और तीसरा निष्काम कर्म। तीसरा क्या है? हाँ, ये सब आपके अध्यापक आपको नोट कराएंगे, ठीक है ना, तब अच्छे से नोट कर लेना, अपने माता पिता को भी जाके बताना। तो पाप करने से क्या मिलता है? दुख मिलता है। पाप करने से क्या मिलेगा? और पुण्य करने से क्या मिलेगा? और निष्काम कर्म करने से अनंत गुना पुण्य मिलता है। कितना? अब अंतिम बात जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है। वो अंतिम बात बहुत बड़ी बात क्या है अब बताओ, आपको किसी को ध्यान में आई? बहुत बड़ी बात कर्म फल के बारे में। आप सुबह से शाम तक जो जीवन जीते हो, आपकी ये सृष्टि कितना मदद करती है पता? आप यहां पढ़ते हो तो आपके लिए फीस कौन देता है? माता पिता। तो आपके माता पिता आपके लिए हर दिन के लिए कितना खर्च करते हैं पता है आपको? बोलो कितना पैसा खर्च करते हैं। और वो कैसे करते हैं? मेहनत करते हैं या मजदूरी करते हैं, खेती में काम करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो आप एक दिन के लिए आपके कितने लोग मदद कर रहे हैं आपकी? अब सुनो, अब इसको हिसाब सब सब मैं पूछूंगा। आपके माता पिता आपके लिए एक दिन के लिए क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, खेती में काम करते हैं, नौकरी करते हैं। तो आपके माता पिता आपकी सेवा करते हैं, आपकी मदद करते हैं, ठीक है? एक दिन के लिए। और आपके माता पिता तो उधर से मदद कर रहे हैं, ठीक है? फिर इधर जो है आपको गुरु क्या करते हैं? बहुत मदद करते हैं, क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। फिर जो आपके वार्डन्स हैं वो क्या करते हैं? आपको आपका ध्यान रखते हैं ना, उठाते हैं, फिर खाना खिलाते हैं, फिर आपके सब चीजों का। फिर आपके जो खेल वाले टीचर आपको क्या करते हैं? खिलाते हैं, आपको खुश रखते हैं ना। और फिर इधर अब जो है जो अन्नपूर्णा में प्रसादम में जो सेवा देते हैं वो भाई आपको क्या करते हैं? अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं।
और वो सब खाने अच्छी अच्छी चीजें कहां से आती हैं? बोलो, अच्छी अच्छी चीजें कहां से आती हैं? खेतों से आती हैं ना।